इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स। स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। इंदौर शहर में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाली एक महिला को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जो कि किराए का मकान बदल बदल कर कई स्थानों पर मादक पदार्थ की तस्करी किया करती थी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पूरे मामले में डीसीपी द्वारा बताया गया कि एरोड्रम थाना क्षेत्र में वाहनों की चेकिंग की जा रही थी कि तभी दो पहिया वाहन पर सवार महिला चेकिंग पॉइंट से गुजरी, जिस पर शंका होने के आधार पर उसे रोका गया और उसके बैग की चेकिंग की गई। तो बैग के अंदर से लगभग 940 ग्राम के मादक पदार्थ, 5 चीलम सहित अन्य सामग्री बरामद की गई। वहीं पूछताछ में महिला ने बताया कि वह एरोड्रम थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहती है। फिलहाल पकड़ी हुई महिला से पुलिस पूछताछ में जुटी हुई है। तो वहीं पुलिस द्वारा बताया गया कि महिला किराए का मकान लेकर विभिन्न क्षेत्रों में इसी तरह से मादक पदार्थ की खरीदी व बिक्री करती है। वहीं पुलिस बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी हुई है। देखिए कि जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जोन में निरंतर ऐसे पब्लिक स्थान जहां पर लोगों द्वारा नशाखोरी की जाती है, उनको चिन्हित करके वहां से भी सार्वजनिक स्थलों का नशाखोरी के लिए उपयोग ना हो, वैसी कार्रवाई हमारे द्वारा आज़ाद नगर में निरंतर जारी है। इसी अनुक्रम में हमारे द्वारा कल थाना एरोड्रम में एक NDPS के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की गई है एक महिला के ऊपर, जिनसे हमें कुल 950 ग्राम के आसपास मादक पदार्थ गांजा जब्त हुआ है। इसमें अभी हमें महिला से पूछताछ करने के पश्चात और भी लिंक मिले हैं हमें, उन पे पुलिस कार्रवाई कर रही है। तो संभवतः इसमें जो नेक्स्ट लेवल ऑफ चेन होता है वो संभवतः आज नहीं तो कल हम उसको भी गिरफ्तार करके उससे भी और मादक पदार्थ जब्त करने का कोशिश करेंगे। सर बताइए, महिला किराए का कमरा अलग अलग क्षेत्रों में लेकर देखिए, ऐसी शोहरत आई है उनकी कि उनका चूंकि ऐसा मॉडस ऑपरेंडी रहता है कि वह जगह बदल बदल के इस प्रकार के कार्यों को करती हैं, तो ऐसी शोहरत उनकी आई है और हमारे द्वारा वेरीफाई भी किया गया है कि उनके द्वारा कई बार एक जगह पे काफ़ी दिनों तक नहीं रहा जाता, कुछ समय बाद वह अपना ठिकाना बदल देती है। जब आसपास वालों को पता चलने लगता है या उनकी शोहरत के बारे में पता चलने लगता है तो तथ्य हमारे संज्ञान में आए।